लोगों ने ऐसी बातें कहीं करी या ऐसे 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 बातें हुई हैं जिसको लेकर कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो आपस की सोच और आपस का हमारा जो संबंध है वो कहीं बिखर ना जाए, टूट ना जाए। और इसी को देखते हुए राहुल जी ने इस यात्रा की घोषणा की थी और इस यात्रा पे लगातार 2800 किलोमीटर करते हुए वो चले आए हैं। और आपने उनको देखा कि कितने संकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और कितने साथी उनके साथ चल रहे हैं और हजारों लाखों की तादाद में लोग उनका स्वागत करने के लिए निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, आम शहरी हैं, आम नागरिक हैं, लेकिन उनको भी भारत से लगाव है, भारत के भक्त हैं, भारत के बारे में चिंता है और इसलिए वो ये मान रहे हैं कि इस वक्त हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, चाहे वो बुद्धिजीवी हों, चाहे वो श्रमिक हों, चाहे वो कारोबार करते हों, चाहे वो खेतिहर मजदूर हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो नौजवान हों, क्योंकि इन सब के संबंध में राहुल जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जहां एक तरफ हम जोड़ रहे हैं भारत को, हमें ये भी देखना होगा कि क्या शिकायत है, क्या तकलीफ़ है नौजवान को, क्या तकलीफ़ है रोज़गार की, आज बढ़ती कीमतों से किसकी पीठ टूटी जा रही है, उसके लिए किसान का जो उत्पीड़न है उसके लिए हम ये सारी बातें कहते हुए और सैनिक का सम्मान करते हुए जो हमारी सुरक्षा हमारी सरहद पर हमारी सीमाओं पर सुरक्षा हमारे देश की करते हैं उनके संदर्भ में राहुल जी ये बातें रखते हुए आ रहे हैं। हम इन सब के सबसे प्रेरित होकर आप सबसे निवेदन करते हैं कि आज की डेमोक्रेसी में, आज के लोकतंत्र में मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल है, एक स्तंभ है मीडिया, और हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारी इस बात को आप जहां जहां तक पहुंचा सकें। बीजेपी का आरोप है टूटी कांग्रेस को जोड़ने की यात्रा है, क्या कहें? अगर टूटी है तो हम जोड़ लें, कोई हर्ज है उसमें? जोड़ने में तो हर्ज नहीं है ना, हम तो हर चीज़ जोड़ना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि देश में हर इंस्टीट्यूशन जुड़ा रहे, देश में हर भावना जुड़ी रहे, हम देश में हर प्रांत को जुड़ा रखें, हम देश में हर पार्टी को जोड़ दें। और पार्टियां भी हमसे जुड़ रही हैं, बहुत सारे नेता उत्तर प्रदेश के भी हैं जो हमारी यात्रा में आएंगे, जिन्होंने सहमति दी है। हमारा न्योता गया है, सबको गया है, और जिसमें से जो नहीं आ सकता उसकी शुभकामनाएं हमें प्राप्त हो रही हैं। हम चाहते हैं कि ये हमारी रात यात्रा ना मानकर इस यात्रा को जनता की यात्रा माने जाए, आम जन की यात्रा माना जाए, युवाओं की, महिलाओं की, बच्चों की यात्रा माना जाए, किसान की यात्रा माना जाए, श्रमिक की यात्रा माना जाए, और इस भावना से लोग आए, इस यात्रा में जुड़े। सर, आपने कहा था राम जी की खड़ाऊ लेके आप यूपी के अभी खड़ाऊ पे आता, आप दिख रहा है कुछ अभी बता खड़ा क्या आप मानते हैं सलमान जी के केवल पदयात्रा के माध्यम से कांग्रेस को जोड़ा जा सकता है? संगठन की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, संगठन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कल भी कुछ कह चुका हूँ, मैं इसको फिर दोहरा देता हूँ। संगठन का महत्व देखते हुए, संगठन की इस समय जो संगठन की आवश्यकताएं हैं उनको समझते हुए कांग्रेस पार्टी ने और हमारे सभी नेताओं ने मिलकर ये तय किया था कि एक अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसका अनुभव कांग्रेस में समर्पित होकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए प्रस्तुत हो, और जो पूरा समय और चीज़ों से हटकर पूरा समय कांग्रेस के संगठन को बनाने में जुड़ जाए। और हमको बहुत अच्छा नेता अपने बीच में से खारगे जी मिले, जिनको हमने सब समर्थन देकर चुना, और आज वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत नीचे तक पहुंच रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, पूरा समय दिन रात वो संगठन को मजबूत करने में लगा रहे हैं, और हमारी विचारधारा का हम संचालन कैसे कर सकें, सेकुलर विचारधारा का हम संचालन कैसे कर सकें, इस पर पूरा समय दे रहे हैं। तो एक तरफ एक बड़े पैमाने पर राहुल गांधी जी एक संदेश दे रहे हैं, विश्व को दे रहे हैं, पूरे देश को दे रहे हैं, और दूसरी ओर हमारे नेता खारगे जी संगठन को मजबूत करने की, जमीन से मजबूत करने के लिए उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि जैसे गंगा जमुना का संगम होता है, उसी तरह से जो संगठनात्मक काम हो रहा है और जो आज एक विचारधारक से संबंधित काम हो रहा है, वो दोनों आकर जुड़ जाएंगे और आपको कांग्रेस पार्टी का संगम देखने को मिलेगा। अच्छा, उन्होंने एक हाँ उसी पे हम कह रहे हैं, आपके नाम से भाजपा को बड़ा तकलीफ है, सलमान के नाम से तकलीफ है कि राम के नाम से तकलीफ है? ऐसा है, भगवान राम का नाम मैंने लिया है, मैं ना ले सकता हूँ?
मैं तो यहाँ मथुरा में हूँ, क्या मैं कृष्ण जी का नाम नहीं ले सकता हूँ? ऐसा है, हमारा अपना मजहब कुछ भी हो, हमारा अपना मजहब कुछ भी हो, एक देश की, एक भारतीयता की एक भावना और एक आस्था भी है, जिसमें के हर मजहब का सम्मान है। और जो हमारे मेजॉरिटी के लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हमारे उत्तर प्रदेश में हैं या हमारे भारतवर्ष में हैं, उनकी जो आस्था है उसका सम्मान मैं करूं तो किसी को ठेस क्यों लगे? सम्मान कर रहा हूं ना। बात सम्मान करने को भी वो अपमान मानते हैं, सम्मान के जो शब्द हैं मुझे बता दें, मैं वो शब्द इस्तेमाल करूंगा, लेकिन वो मुझे ये ना बताएं कि तुम भगवान से संबंधित नहीं हो सकते। ये हमारे भगवान हैं, ये भगवान सबके हैं, भगवान सबके हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हमको किसने सिखाया? महात्मा गांधी ने सिखाया। हम उस सीख पर चलते हैं, हम जो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस लिखती है उस पर नहीं चलते। मुझे गर्व है कि मैंने भगवान राम का नाम लिया और मैंने भगवान राम की जीवनी से प्रेरित होकर ये कहा कि जैसे उनका संदेश खड़ाओं से जाता था, वैसे ही आज अपने नेता का संदेश मैं अपने नेता की खड़ाओं से लेकर आपके बीच में आया हूँ। नेता हर जगह ना पहुँचे तो कम से कम खड़ाओं ज़रूर पहुँच जाए। मैं अपने आप को किसी की खड़ाओं बना लूँ तो किसी को शिकायत कैसे हो सकती है? और इसकी जो पृष्ठभूमि है वो ये है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार कहीं ना कहीं प्रेरित होता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है हमारे हमारे हमारी संस्कृति से। और हमारी संस्कृति में भगवान राम का क्या स्थान है वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। भगवान कृष्ण जी का क्या स्थान है मुझे आपको बताने की आवश्यकता अरे भाई बात सुनिए, क्या वो मंदिर में हमारे नेताओं को बुलाने का कोई किसी ने प्रयास किया है? हम तो कहते थे बैठ के समझौता कर लो भाई, लेकिन बैठ के समझौता नहीं हुआ। जब निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का तो हमने वो निर्णय स्वीकार किया, और क्या करें बताइए, और क्या करें? अगर भगवान का घर है तो उसके दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हो सकते ना। भगवान के घर के दरवाजे सबके लिए खुले रहेंगे और सबको वहाँ आमंत्रित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, सबको ये कहना चाहिए कि तुम भी जाओ भगवान का दर्शन करके आओ। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ब्रजेश पाठक कहते हैं कि हमारी वजह से आप राम का नाम लेना सीखे हैं, नहीं तो आप तो राम को मानते नहीं थे। ब्रजेश पाठक तो वकील है ना, वकालत भी मैं उन्हीं की वजह से सीखा हूँ, वकालत भी उन्हीं की। एक बात उनसे मैं नहीं सीख पाया कि पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में कैसे जाते हैं, वो मैं नहीं सीख पाया, और सारी चीजें सीखी। जन्मभूमि के बराबर जो शहीद का मस्जिद है उसका कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है, अगर यहाँ भी अयोध्या मैंने इस पर यहाँ पे जो लोग यहाँ के लोग जानकार लोग हैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि अमीन की रिपोर्ट मांगी है। सर्वे और अमीन की रिपोर्ट में कुछ अंतर होता है, लेकिन इस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि वो कोर्ट का काम है, कोर्ट उस पर जो भी निर्देश दे रहा है उसका पालन होगा, और उसका पालन होगा तो आगे क्या बात बनती है मैं नहीं कह सकता। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि मथुरा के लोग भी ये चाहते हैं कि सौभाग्य बना रहे, चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा ना हो, हम आपस में एक होकर रह सकें, मथुरा में गंगा जमनी तहजीब को हम आगे बढ़ा सकें, ये मुझे लोगों की भावना यहाँ लगती है। अभी आपने अयोध्या के मामले में कहा कि बैठ कर मिलजुल कर बात की जा सकती थी, वहाँ तो मथुरा में ऐसी की जा सकती है क्या बात? नहीं नहीं, मथुरा में अगर बात करने का होगा तो होगा ना, आज कैसे मैं बता दूँ मैं ना मथुरा का हूँ। कांग्रेस कोई पहल करेगी मथुरा में बैठकर बातचीत? मुझे देखिए, बातचीत करने में मैं पहले से कह दूँ पहल करेंगे तो दूसरा कहेगा हम नहीं चाहते हैं। मैं क्यों कह दूँ? अगर कहीं पहल की या किसी के सहयोग की से कुछ बनता है तो मथुरा के लोग इसका उस पर निर्णय लेंगे ना, मुझे क्यों कहते हैं? कल को आप ये कहेंगे, आप कह गए थे कि आप इसको हल करा देंगे, अब आप नहीं हल करा रहे हैं, दिल्ली चले गए, ऐसा नहीं है ना। तो मथुरा के लोगों पर भी कुछ बोझ डालिए, बैठे हैं यहाँ आसपास मथुरा के लोग बैठे हैं, उन पर भी कुछ बोझ डालिए, सारा मुझ पर डालिए।